बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम लोग बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में। और लास्ट क्लास में बच्चों हमने अपने अध्याय 15 का पार्ट नंबर 2 में हमने शंकु से संबंधित टोटल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिए थे। बच्चों आज की इस क्लास में आपको गोले से संबंधित 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाला हूं। तो बिल्कुल बच्चों मेरे साथ जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, तो बच्चों हमारा जो मिशन चल रहा था उसका नाम क्या है? उसका नाम है सर छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं टकेश्वर साहू आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है सर, उसका नाम है अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये होने वाला है भाग 3। भाग 3 में हम गोले से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज उसको कर लेंगे। इसके बाद इस अध्याय का एक और पार्ट आएगा जहां पर मैं आपको पहले घन और घनाभ के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम एक नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में भी लास्ट क्लास में तैयारी करने वाले हैं। इसका जो पार्ट 4 आएगा वो हमारा इस अध्याय का लास्ट क्लास होने वाला, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो बच्चों यहां पर गोले से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले के बारे में बताना चाहूंगा जो आगे के आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए हम चलते हैं अपने फॉर्मूले के पिटारे की ओर और ये हमारा पिटारा खुल चुका है। आपका फॉर्मूला बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, सुंदर सा यहां पर एक गोला दिख रहा होगा। ये कौन सा गोला बच्चों? जो आप लोग स्कूल में फेंकते हो, गोले फेंक खेलते हो, गोला फेंक खेलते हो ना, ये वही वाला गोला है। बिल्कुल ये उसी प्रकार का गोले के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आ जाओ देख लो। चलो तो अब हमें यहां पर 3 फॉर्मूले याद करना है गोले से संबंधित। सबसे पहला आता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सर कैसे निकालेंगे। तो बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सर 4πr² होता है, जहां पर पाई का मान आपको मालूम है कि सर 22/7 है और आर क्या है आपका इस गोले का त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है रेडियस। बिल्कुल सर हमने इसको समझ लिया, ठीक है। अगर क्या होगा, इसी गोले को मैंने आधे 2 भागों में बांट दिया, ठीक है, आधा आधा 2 भागों में मैंने बांट दिया। तो अगर हमें अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे सर, 3πr² होता है। क्या होता है बच्चों? 3πr² होता है। अगर मुझे गोले का आयतन निकालना है तो हम 4/3πr³ का यूज करने वाले हैं, जहां पर पाई का मान आपको पता है 22/7 है और आर क्या है गोले की त्रिज्या। बिल्कुल ये 3 फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए हैं तो गोले से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये रहा आपका पहला नंबर का क्वेश्चन जो कि 2022 यानी कि पिछले ही साल पूछा गया है। सेट ए बी सी में तीनों सेट में पूछा गया है, मतलब कि क्वेश्चन 4 नंबर के लिए, कितने 4 नंबर के लिए पूछा गया था। चलो अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि सर हमें क्या दिया है और क्या हमें निकालना। आ जाओ। तो सर हमें यहां पर दिया गया कि एक गोले का हमें आयतन ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमें पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पहला नंबर का जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले के बारे में बात नहीं हुई है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बस बोला गया, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे सर, 4πr² होता है। तो 4πr² का मान दिया गया बच्चों हमें 154 दिया गया, पाई का मान चिपका देंगे, आर का मान यहां से निकल जाएगा, ठीक है। आयतन निकालना है तो आयतन के लिए हमारा सर फॉर्मूला होता है 4/3πr, ये होता सर क्यूब होता है। ये इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले आयतन निकालने के लिए। तो यहां पर मुझे पाई की जरूरत पड़ेगी, आर की जरूरत पड़ेगी, पाई का मान तो हमें मालूम है, आर का मान यहां से आ जाएगा। कहानी खत्म, ठीक है। चलो अब सीखते हैं सर इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं कि हमें पूरा में पूरा नंबर मिले। देखो आ जाओ, सबसे पहले मैंने अपने बोर्ड को 2 भागों में बांटा और यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं हल। बिल्कुल देख लो, आ जाओ। चलो तो यहां पर चिपकाओ पहले हाल। देखो हमें क्या क्या दिया है उसको पहले छापो। सर हमें दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बिल्कुल मैं यहां पर लिखूंगा दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। क्या दिया बच्चों? चलो बोलो। सर हमें दिया गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्या दिया है? 154 वर्ग सेंटीमीटर में ये दिया गया। बिल्कुल सर दिया गया। अब हमें पता है कि सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr² होता है। बिल्कुल चुपका। तो सर ये हो जाएगा 4πr² इज इक्वल टू, ये हो चुका 154। हमें r² का मान निकालना है, तो देखो मैंने 4 को 4 लिखा, पाई का मान सर 22/7 होता है, चिपका दो। फिर ये हो चुका r² बराबर
154 अपनी जगह पर लिखाया हुआ है। अब देखो आर स्क्वायर बराबर, हमें आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो 154 को मैंने अपनी जगह पर लिखा। अब यहां पर गुणा वाला जाएगा भाग में और भाग वाला जाएगा गुणा पे, तो 7 नीचे में है भाग में है वो चला गया है गुणा में, और 4 है ना, 4 और ये 22, 4 और 22 जो कि गुणा में है वो नीचे में आ चुका। बिल्कुल सर, यहां तक इनमें कहानी को समझ लिया। देखो 154 और 22 दोनों जो है वो 11 से भाग जाने वाले हैं। सर ये जाएगा दो बार में, 11 दुनी 22, यहां पर 11 एक कम यार, अभी भी 15 में हम जब 11 घटा देंगे तो 4 बचेगा, यानी कि ये हो चुका 44। 44 देखो 11 से भाग जाने वाला, सर 11 चौक होता है 44, 11 चौक सर ये हो चुका 44, तो 14 बार में, ठीक है 14 बार में इसको हमने निपटा दिया। ठीक है चलो सर, 2 एक कम 2 और इसको मैं 7 दूनी 14 ऐसे निपटा दूंगा, बिल्कुल निपटा दो। तो सर हमें मिला हुआ आर स्क्वायर बराबर, क्या मिला आर स्क्वायर बराबर क्या मिल गया बच्चों, देखो आर स्क्वायर बराबर हमें मिला हुआ 7 गुना 7 बटे में आ जाएगा 2 गुना 2 आ चुका। बिल्कुल सर, हमने यहां तक की कहानी को अच्छे से समझ लिया है। अब देखो अब इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर बराबर देखो 7 गुना 7 यानी कि 7 का वर्ग करेंगे और नीचे का 2 गुना 2 है, मतलब कि 2 का वर्ग करेंगे, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 7/2 बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया और पूरे की घात में लिख दिया 2, क्योंकि 7 का भी वर्ग होता और 2 का भी वर्ग होता, तो मैंने दोनों को एक साथ में लिखकर ब्रैकेट लगाकर ऊपर में घात 2 चिपका दिया। बिल्कुल सर, अब देखो हमें तो आर का मान निकालना है, फिर से वही कहानी दोहराऊंगा, जब भी मुझे यहां पर स्क्वायर को हटाना है तो मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, वर्ग को हटाना है तो वर्गमूल लेते हैं। बिल्कुल सर, तो दोनों पक्षों में जब हम वर्ग लेंगे तो आर के 2 मान मिलते हैं, जिसमें से केवल हम धन वाले मान को रखते हैं, ऋण वाले मान को छोड़ देते हैं, तो आर बराबर हमें मिल जाएगा 7/2। कैसे मिला मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है, वर्गमूल लेंगे तो आने वाला वर्ग और ये पहले से वर्ग दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर मिल चुका हमें। बच्चों निकालना था गोले का आयतन, बिल्कुल सर निकाल देंगे, आ जाओ, अतः गोले का आयतन, अतः गोले का आयतन, आ जाओ, अतः गोले का आयतन बराबर, आयतन इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि आयतन को हम बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम का V, ठीक है, तो आयतन बराबर सर ये निकलता है, ये सर होता है आयतन का सूत्र, देख लो क्या होता है 4/3 πr³ होता है। बिल्कुल सर ये होता है 4/3 को एज इट इज लिखा, सर बाई का मान तो 22/7 होता है ना, बिल्कुल चुपका आर, आर की घात 3 है, तो 7/2 है हमारा आर का मान, इसको 3 बार गुणा करके लिख देंगे। बिल्कुल सर, हमने यहां पर इसको अच्छे से गुणा कर लिख दिया। चलो अब आगे की कहानी सुनो, देखो आगे की कहानी में क्या कर सकते हैं, 7 को 7 निपटा देगा, ठीक है 2 एक कम 2 और ये 11/12 में निपट चुका है, तो ऊपर में बच चुका है 11 चौक हो जाएगा सर ये 44, 11 चौक हो जाएगा 44 और 7 में यहां पर बचा हुआ है 49 और नीचे में क्या आ जाएगा 3 गुना 3 गुना और 7 में क्या बचा हुआ है ये 4 भी बचा हुआ, ठीक है बच्चों। अब यहां पर आप लोग खुद सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, 44 का गुणा करोगे 49 के साथ और 3 का गुणा करोगे 4 के साथ, तो अगले स्टेप में क्या करोगे, पहले इसका जो रिजल्ट आएगा उसको यहां पर लिखोगे और 3 गुना 4 यानी कि 12 आएगा, तो ऊपर में जो मिलेगा उसको आप 12 से भाग दे दोगे सर, तो आपको मिल जाएगा, देखो भाग खुद देना है, भाग खुद देना है 179.6666 मिल जाएगा और ये खत्म नहीं होगा। हम क्या निकाले थे बच्चों, आयतन, तो यहां पर इकाई क्या लिखेंगे, मेन मुद्दा सर इकाई क्या लिखेंगे, तो आयतन ज्ञात करते हैं तो घन लगाते हैं, इकाई क्या दिया था यहां पर, दिया था सेंटीमीटर दिया ना, तो घन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये घन सेंटीमीटर, ये हमारा होने वाला फाइनल आंसर 179.666 सर ये हमारा हो जाएगा घन सेंटीमीटर, हमने गोले का आयतन को ज्ञात कर लिया, ठीक है इतना इजी क्वेश्चन 4 नंबर के लिए 2022 में पूछा गया था, बिल्कुल उड़ा दिया इस क्वेश्चन को। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी जो क्वेश्चन है वो 2018 में सेट ABC तीनों सेट में पूछा गया था, बिल्कुल आ जाओ। चलो सर एक बार प्रश्न को पढ़ लो, क्या 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 दिया है और क्या निकालना है, देखो बिल्कुल पढ़ लो, यदि गोले का व्यास, गोला जो होता है वो वृत्त के शेप में बनता है, तो गोले का व्यास यानी कि वृत्त का व्यास, तो व्यास और त्रिज्या, व्यास और त्रिज्या में क्या बनता है, रिलेशन बनता है सर कि व्यास जो होती है वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है, तो 2r का मान दिया गया 12 सेंटीमीटर, यहीं से मैंने आर बराबर सर निकाल लिया 6 सेंटीमीटर, क्या निकाल लिए 6 सेंटीमीटर सर निकाल लिया, ठीक है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है 4πr², पाई का मान हमें मालूम है, आर का मान यहां से निकाल लेंगे, मान रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर क्या पूछा था, आयतन, तो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ होता है, बिल्कुल ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करने वाले, चलो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर ले पहले नंबर क्वेश्चन में, अब इसको थोड़ा सा स्पीड सॉल्व करने वाले, आ जाओ देख लो, चलो आ जाओ, ठीक है चलो
अब करते हैं स्टार्ट। क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे? आ जाओ हल। तो क्या क्या दिया गया है इस बात को हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे। तो दिया है क्या दिया? देखो, दिया है गोले का व्यास। गोला जो होता है वो वृत्त के शेप में बनता है, ठीक है ना। तो गोले का व्यास बराबर, ये सबके सब जो मैं शेप पढ़ा रहा बच्चों वो 3D शेप है। कैसा है? 3D शेप है, थ्री डायमेंशियल है, ठीक है। चलो, तो गोले का व्यास बराबर ये होता है 12 सेंटीमीटर सर, हमें दिया गया है, ठीक है। और व्यास और त्रिज्या में सर यही रिलेशन बनता है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो 2R बराबर सर मिल चुका 12, ठीक है। 2 × 1 = 2 और 6 × 12 में निपट जाएगा। तो R बराबर सर 6 सेंटीमीटर हमें मिल चुका, क्या बिल्कुल मिल चुका सर। R बराबर 6 सेंटीमीटर हमें मिल चुका। हमें क्या निकालना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल निकाल देंगे। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, आ जाओ। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, चलो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला तो ये होता है 4π r² होता है। चलो, तो 4 लिखा मैं, पाई की मान को अब मैंने रखूंगा, पाई की जगह हम पाई बस भी रख सकते हैं। r का मान हमने अब भी निकाला था, 6 × 6 क्या मिला? 6 × 6 36 मिला हुआ था, ठीक है। चलो, अब यहां पर हम इसका आंसर निकालेंगे। तो 6 × 6 करेंगे सर तो 36 मिलेगा। अब यहां पर 4 का गुणा करेंगे तो 6 × 6 हो जाएगा 24, 24 का 4 है हासिल में आ चुका 2, ठीक है। 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 2 क्या हो जाएगा? 12 × 2 = 14 ना, 144 क्या मिला? 144 साथ में पाई भी है, हम निकाल रहे थे क्षेत्रफल, तो ये लग जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। किस में आ गया? वर्ग सेंटीमीटर में आ चुका बच्चों। हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया 144 पाई। आप चाहो तो यहाँ पर पाई का मान भी रख सकते हो, ठीक है। नहीं रखेंगे तब भी आपका आंसर पूरा आएगा, ठीक है, नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। आ जाओ सर, हमने यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल लिया, हमें तो यहाँ पर आयतन भी पूछा है, बिल्कुल निकाल लेंगे इसको भी। आ जाओ, अतः गोले का आयतन भी बराबर। चलो, आयतन भी बराबर क्या होता है सर? ये होता है 4/3 π r³ होता है, बिल्कुल होता है। 4/3 को चिपकाया मैंने, पाई का मान अभी मैं फिलहाल नहीं रख रहा हूं, और r का मान सर यहां पर दिया हुआ 6, तो 6 × 6 से ही करेंगे 3 बार गुणा, क्योंकि r का घात क्या 3 है, ठीक है। 3 × 1 = 3 और इसे 2 बार में निपट गया, 3 × 2 = 6, ठीक है। अब देखो 36 का, देखो 6 × 6 करेंगे तो क्या मिलेगा? 36 मिलेगा ना। 36 का गुणा कर रहा हूं मैं 2 से, 36 का गुणा करूंगा 2 से तो क्या मिलेगा बच्चों? यहां पर मिलेगा मुझे 72, क्या मिला? 72 मिला। अब 72 का गुणा करेंगे हम 4 से, बिल्कुल कर देते हैं। तो 4 × 2 सर ये हो चुका 8, अब 7 × 4 होता है 28, क्या हो चुका? 28, यानी कि 288 और साथ में ये पाई भी था, क्या था बच्चों? पाई भी था। हमने गोले का आयतन भी ज्ञात कर लिया है, जो कि हमें क्या मिला हुआ है? 288 पाई। ये है हमारा फाइनल आंसर। चूंकि आयतन निकाल रहे थे तो ये क्या लिखेंगे? घन सेंटीमीटर। किस में आएगा? घन सेंटीमीटर में आने वाला है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। लास्ट में आप एक लाइन और लिख सकते हो, अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 144 पाई तथा गोले का आयतन बराबर 288 पाई घन सेंटीमीटर है। ये आप लास्ट में भी इसको लिख सकते हो, बिल्कुल इतना इजी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, 4 नंबर के। चलो सर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा पहला नंबर का, पहला नहीं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइन स्टार लगा के रखो, क्योंकि पूछा नहीं गया, इस बार पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। आ जाओ देखो सर, एक बार क्वेश्चन को पढ़ने का क्या दिया, क्या निकालना, बिल्कुल पढ़ लो। 2 गोला है जिसके आयतनों का अनुपात दे दिया गया है 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन हमें ज्ञात करना, बिल्कुल सर ज्ञात कर देंगे। सर अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, दिक्कत नहीं, आ जाओ, मैं हूं ना, आ जाओ। तो यहां पर लिखो हल, देखो हमें क्या ज्ञात करना है, इसको ध्यान दो। हमें यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है और गोले का अनुपात दिया गया, 2 गोले का अनुपात दिया गया है। तो इसी बात को पहले मैं मान लेता हूं, माना दोनों गोले का आयतन क्रमशः पहले गोले के आयतन को हमने मान लिया V1 व V2, ठीक है, तथा एक चीज और मान जाना, तथा गोले की त्रिज्या क्रमशः तथा गोलों की त्रिज्या त्रिज्या को भी मान लेते हैं, 2 गोले है ना, तो दोनों गोलों के लिए हम अलग अलग त्रिज्या मान लेते हैं, तथा गोलों की त्रिज्या क्रमशः
क्रमशः पहले गोले की त्रिज्या को हमने मान लिया R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या को सर हमने मान लिया R2। वह एक चीज और मान लेते हैं कि हम यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल रहे हैं, तो इसको भी मैं मान लेता हूं C1। ठीक है, वह गोलो का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः यानी कि पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सर ये होने वाला है C1, वह दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सर ये होने वाला है C2। बिल्कुल बच्चों, हमने तीनों चीजों को मान लिया है कि दो गोलों के लिए उसके आयतनों को अलग अलग ले लिया है, उसके त्रिज्याओं को अलग अलग ले लिया है और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी अलग अलग हमने लिख लिया। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी है। ठीक है, फिर हमें क्या दिया था, दोनों गोले का आयतन हमें दिया गया था। ठीक है, यहां पर चिपकाओ, चूंकि दोनों गोले का आयतन, ठीक है, प्रश्न अनुसार चूंकि दोनों गोलों का आयतन, दोनों गोलों का आयतन, ठीक है, का अनुपात, अनुपात क्या दिया हुआ है, बराबर हमें दिया हुआ बच्चों 64:27 है। अब आयतन, तो पहले गोले का आयतन ये हुआ V1, ठीक है, अनुपात निकाल रहे हैं, दूसरे गोले का आयतन सर ये हुआ V2, बराबर सर ये हो जाएगा 64:27 हो चुका। बिल्कुल सर ये हो चुका। ठीक है, चलो आगे इधर सॉल्व करते हो, तो V1 देखो यहां पर मुझे पता है कि सर अनुपात का मतलब होता है बटा, अनुपात का मतलब क्या होता है बटा, ठीक है, तो V1 बटा V2 बराबर यहां पर क्या हो जाएगा 64:27 हो जाएगा, हमने अनुपात को चेंज कर दिया बटे में। ठीक है, अब गोले का आयतन, गोले का आयतन कैसे निकालते बच्चों, तो पहले वाले गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा, 4/3 4, ठीक है, पाई R1³ बन जाएगा क्योंकि पहले वाले गोले का हमने आयतन निकाल दिया। नीचे में क्या हो जाएगा, ये बटे में 4/3 दूसरे वाले गोले के लिए 4/3 पाई, ये हो जाएगा सर R2³ बराबर हमें दिया हुआ 64:27। बिल्कुल सर, हमने यहां तक की कहानी को समझ लिया। ठीक है, चलो सर 4/3 से 4/3 निपट जाएगा क्या, बिल्कुल निपट जाएगा, पाई से पाई निपट जाएगा क्या, बिल्कुल निपटा दो। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है, तो यहां पर सर बचा हुआ R1/R2 पूरे की घात में मैं लिख सकता हूं 3, क्योंकि दोनों की घात में क्या 3 है। ठीक है, अब यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो याद कीजिए बच्चों हम 64 को लिख सकते हैं 4 और यहां पर मैंने 27 को लिख दिया 3, पूरे की घात में लगा दिया 3। अब यहां पर जो घात 3 है वो 4 का भी है और 3 का भी है, 4 का 4 से ही करेंगे 3 बार गुणा तो 64 मिलने वाला है, 3 का 3 से करेंगे गुणा तो क्या मिलेगा 3 बार हमें मिल जाएगा सर 27 मिल जाएगा। बिल्कुल, हमने इसको यहां पर ऐसा लिख दिया। अब देखो हमें R1/R2 का मान चाहिए, यहां पर ये क्यूब क्या कर रहा है, ठीक है, यहां पर ये वर्ग नहीं है, तो हम क्या लेंगे, जब भी वर्ग को हटाना होता था तो हम वर्ग मूल लेते थे, यहां पर घन को हटाना है तो हम दोनों पक्षों में घन मूल लेंगे, तो आने वाला घन मूल और ये पहले से बैठा हुआ घन ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं सर, तो हमें क्या मिला हुआ है R1/R2 बराबर हमें मिल चुका सर 4/3। बिल्कुल ये हमें मिल चुका, बोलो यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी सर, बिल्कुल समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो दोनों गोलों के त्रिज्याओं का अनुपात हमने ज्ञात कर लिया है 4:3 है, क्या बच्चों 4:3 है। ठीक है, चलो लेकिन हमें तो यहां पर निकालना था उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, बिल्कुल इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आ जाओ इसी जगह ही बताऊंगा मैं, इसी जगह आ जाओ अब क्या हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, अतः गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ठीक है बराबर। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसको मैं माना हुआ था C1 बटा C2। ठीक है, अनुपात निकाल रहे, अनुपात का मतलब मैंने डायरेक्टली लिख दिया सर बटे लिख दिया, क्या लिख दिया बटे लिख दिया। ठीक है, तो C1 पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 4πR² हमारा होता है फॉर्मूला, पहले गोले के लिए निकाल रहे हैं तो 4πR1 की घात में लग जाएगा सर ये 2, तो यहां पर हो जाएगा 4πR1 की घात में लग जाएगा 2, दूसरे गोले के लिए सर हो जाएगा 4πR2 की घात में लग जाएगा 2, 4π से 4π निपट गया तो C1 बटा C2 हमें क्या मिला हुआ R1 बटा R2। ठीक है,
देखो R1 बटा R2 का सर हमें मान मालूम है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, R1 बटा R2 दोनों की घात 2 है ना, तो मैंने दोनों की घात में लगा दिया 2, ठीक है, हमने एक साथ लिख लिया घात में लगा दिया 2। तो बच्चों यहाँ पर C1 बटा C2 बराबर क्या हो जाएगा, सर हमने R1 बटा R2 का मान तो निकाला हुआ ना, 4/3 है, क्या है 4/3 है, तो सर ये हो जाएगा 4/3 घात में, पूरे की घात में लग जाएगा 2, तो C1 बटा C2 क्या मिल चुका। अब जो घात में 2 है वो 4 का भी है और 3 का भी है, अलग अलग कर देंगे तो 4 का वर्ग करेंगे सर ये हो जाएगा 16, अगर हम 3 का वर्ग करेंगे तो सर हमें मिल जाएगा 9, क्या मिल चुका 9 मिल चुका। अतः देखो इसको अनुपात में बदल दो, C1 अनुपात कर दो C2 बराबर ये हो जाएगा 16:9 हो जाएगा, बटे की जगह हमने अनुपात चिपका दिया, हमें निकालना क्या था अनुपात ही तो ज्ञात करना था ना, ये हमारा आंसर आ चुका, बिल्कुल हमारा आंसर आ चुका। लास्ट लाइन में आप क्या लिखोगे, अतः दोनों गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9, बिल्कुल इसमें भी आपको नंबर मिलने वाला है, लास्ट लाइन को भूलना नहीं है, क्या लिखोगे अतः दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात सर 16:9 है, 16:9 है, ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है जो आपको 4 में से 4 अंक दिलाने वाला है। बिल्कुल इस तरह से आप एक पेज में इसको सॉल्व कर सकते हो, 4 मिनट में 4 अंक आपको मिलने वाले हैं। आ जाओ चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आ चुका है प्रश्न क्रमांक 4, ठीक है, अच्छा प्रश्न क्रमांक 4 नहीं, प्रश्न क्रमांक 3 तक ही था एक्चुअली, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 तक ही था, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 नहीं है, प्रश्न क्रमांक 3, तीन ही क्वेश्चन मैंने कराया है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको आज करा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके पार्ट 4 में मैं बात करूंगा घन और घनाभ के बारे में, और साथ ही साथ अभी एक नंबर वाले प्रश्नों की तैयारी करना बाकी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी तैयारी कर लेंगे। तो बच्चों आज जो मैंने पढ़ा है अपनी फेयर कॉपी में उसको नोट डाउन करो, बार बार प्रैक्टिस करो और पढ़ते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों तक शेयर करना है। मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट क्लास पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।